please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. डेवलपर्स करेंगे हुड्डा का काम। डेवलपर्स हजारों निवासियों के बचाव में सामने आ गए हैं। जो लोग हाल ही में नए सेक्टर 58 और 115 में रहने आए हैं, उन्हें टूटी हुई सड़क से आना जाना पड़ता था। हुड्डा के साथ वित्तीय संकट चलने के कारण हुड्डा इसका निर्माण करने में असमर्थ था। यूनिटेक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यूनिटेक आज NCLT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया। NCLT ने अपने आदेश में कंपनी के मामलों के मंत्रालय को कंपनी के प्रबंधन को संभालने को कहा था। यूनिटेक के वकील ने कहा, हमने NCLT के आदेश के खिलाफ ऐसे ही चले गए हैं क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है। 53 करोड़ रुपए की जमीन से हुड्डा ने अतिक्रमण हटाया। हुड्डा ने शनिवार को 53 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 15 एकड़ जमीन पर से अवैध कब्जे को साफ कर दिया। 5 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अनुकूल आदेश मिलने के बाद हुड्डा ने अतिक्रमण अभियान चलाया था। एडले लैंडमार्क लिमिटेड को लौटाने होंगे खरीदारों के पैसे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नई दिल्ली स्थित एडले लैंडमार्क लिमिटेड को फ्लैट देने में हो रही देरी के कारण घर खरीदारों का पैसा वापस करने के लिए निर्देश दिया है। दिल्ली में अवैध निर्माण का एक और उदाहरण वसंत कुंज में साई कुंज नाम की एक पूरी कॉलोनी राजधानी में अवैध निर्माण का एक और उदाहरण बनकर सामने आई है। 5 साल पहले यह कॉलोनी दक्षिण दिल्ली नगर निगम की अवैध कॉलोनियों की सूची में थी।